नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के थाना लांबड़ा के अधीन आते टावर एनक्लेव में हुआ ट्रिपल मर्डर। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बेटे ने पिता, माँ और भाई पर मारी गोलियां। मुगा के गांव खोसा कोटला में दो पक्षों में हुए विवाद में चली गोलियां, दो लोगों की मौत, दो गंभीर घायल। होशियारपुर में दवाई लेने जा रहे परिवार की कार पर पेड़ का बड़ा हिस्सा गिरा, जानी नुकसान होने से बचाओ। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के थाना लांबड़ा के अधीन आते टावर एनक्लेव में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। गौरतलब रहे कि बेटे ने ही अपनी मां, पिता और भाई का कत्ल कर दिया। मृतकों की पहचान जगबीर सिंह, अमृतपाल कौर और गगन के रूप में हुई है। ये कत्ल उनके बेटे हरप्रीत ने पिता के लाइसेंसी वेपन के साथ ही किया है। वही घटना की सूचना मिलते ही DSP करतारपुर बलबीर सिंह, पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP ने बताया कि टावर एनक्लेव के फेज 3 में हरप्रीत सिंह नामक युवक ने अपने पिता की ही लाइसेंसी राइफल पॉइंट 22 से 5 राउंड फायर किए, जिसमें पिता और मां के गले में गोली लगी, जबकि भाई की छाती पर फायर किया गया, जिसके चलते तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए SSP मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बेटे का पिता के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने गोलियां मारकर तीनों का कत्ल कर दिया। देर रात उनकी पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से दोनों राइफल भी बरामद कर ली गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी लड़का सिक्योरिटी गार्ड का काम करता और उसके पिता भी सिक्योरिटी गार्ड का काम ही करते थे। पूछताछ में उसने यह बताया कि मर्डर करने के बाद वह क्योरो मॉल में फिल्म देखने के लिए चला गया था और देर रात फिल्म देखने के बाद वह अपने आप को सरेंडर करने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर, नाम की है, क्लियर कर दे एक बार। जिन्हें नाम है जो उन्होंने जगवीर सिंह जो 52 साल का, पूरी वाइफ है अमृतपाल कौर 50 साल की, बेटा उन्होंने गगनदीप सिंह 32 साल का, जो अक्यूज है वह हरप्रीत सिंह है जी। तो वैपन जोड़े आ उन्होंने फादर के नाँ पर ही है, जो एक 7.2 हैगी राइफल जी है जी, तो एक 12 बोर की हैगी सिंगल बैल जी है। दोवें असी फादर की काम कर दे दो वेपन सी दो वेपन ते फादर की काम कर दे दोनों ने फायर होया दोनों ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ 7 ਫਾਇਰ ਨੇ ਜੀ, 5 ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਂਡ ਗਵਾਂਡ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਗੂਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹਾਲਾਤ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਵੇਪਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਵੇਪਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। मोगा के गांव खोसा कोटला में दो पक्षों के बीच पहले तकरार हो गई, जिसके बाद सुबह जब सरपंच वीर सिंह और उसके साथी सैर करने गए तो दूसरे पक्ष की ओर से गोलियां चला दी गई, जिस कारण सरपंच वीर सिंह और उसके साथी रंजीत सिंह की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वे घटना की सूचना मिलते ही SSP J. एलनचेलियन मौके पर पहुंच गए और घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी जे एल एन चेलियन ने बताया कि पुरानी रंजिश के कारण ये गोलियां चली हैं, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है जबकि दो लोग घायल हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मोगा से हलचल के लिए निशि मनचंदा की रिपोर्ट। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਇਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਸਟੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਕੋਸਾ ਪਾਂਡਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਾਸਪਿਟਲ ਮੇਂ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਭੀ ਵੈਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੋਨੋ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੋਨੋ ਕੋ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਭੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੋਨੋ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ ये सरपंच है। ये सब गोलियां चली हैं, क्या मामला? देखो वो तो मैंने आपको बता दिया, तस्दीक करना है अभी, क्योंकि साढ़े को पहला तो इस बारे में आइडिया नहीं सी। अचानक इन दी लड़ाई होने के बारे में सानू तला मिली है, असी मौके पर पहुंच गए। बाकी हुण पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करन तो ही पता लगेगा आपस च की है की नहीं है। हुण असी केस रजिस्टर करके अगली कार्रवाई करेंगे। हाँ जी सर, जख्मी भी किन्ने दे विच जी? नहीं वो अभी गिनती नहीं है, अभी यहाँ पे तो एक और जख्मी है, बाकी उधर मेडिसिन हॉस्पिटल जाके देखेंगे, वेरीफाई कराएंगे। होशियारपुर के कस्बा गढ़शंकर के नंगल रोड पर गांव गड़ी मट्टो में उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब अपनी कार में सवार होकर दवाई लेने जा रहे परिवार पर एक पेड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। मिली जानकारी के अनुसार जोगिंदर सिंह निवासी खेड़ा कमलोट अपनी पत्नी और लड़की के साथ अपनी 4 माह की नातिन की दवा लेने के लिए कार में सवार होकर नवा शहर जा रहे थे। जब वह गांव गड़ी मट्टो में पहुंचे तो इनकी कार के ऊपर पेड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। गनीमत यह रही कि इसमें किसी को भी कोई चोट नहीं लगी, पर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे कंडी संघर्ष कमेटी के राज्य कन्वीनर दर्शन सिंह मट्टू ने कहा कि उनकी कमेटी पिछले काफी समय से सूखे और म्याद पूरी कर चुके पेड़ों को काटने की मांग कर रही है, पर प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित परिवार का जितना भी नुकसान हुआ है संबंधित विभाग उसकी भरपाई करे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। मैं दर्शन सिंह मट्टू सवाई कन्वीनर कंडी संघर्ष कमेटी, असि इन्हों सुके दरख्तों की उम्र बहा चुकी हैं, उन्हें दरख्तों की कटाई की मांग करते आ रहे हैं। अज जोगिंदर सिंह खेड़ा कमलोट अपनी दोती शीशा देवी इन्हों की पत्नी आती आ उन्होंने धी आ एक कार जा रहे सी, एक टिप्पर न लग के डाला इन्होंने कार से डिपिया गड़ी मट्टो। असि पिछले समय तो मांग करते हैं, पहले भी कहा भी उदो उठना जो लोगों ते सुके दरख्त ते समा बहा चुके उम्र बहा चुके दरख्त डिगूगे। हजे तक सरकार दे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते खास तौर से जिला परिषद उहदे कांते यूनिवर्सिटी इत्थे आए हां, असीं अज भी सरकार नूं ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नूं ते नाल जिला परिषद नूं विशेष तौर पर जिन्हां दे दरख्त ने असीं इह वार्निंग देनी चाहुंदे हां, इन्हां नूं तुरंत कटवाया जावे।
ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣੀ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਟਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਭਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਭਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਆਲ ਓਵਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇੜਾ ਕਮਲੋਟ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਭਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੜ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇ ਲਗਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗੜੀ ਮੱਟੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਤਕਤੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। अगर आप अपने घर में मॉड्यूलर किचन, अपना पसंदीदा वार्डरूफ, टीवी यूनिट और अन्य मनचाही एमेनिटीज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी खास साबित होने वाली है। बस इसके लिए आपको नकोदर रोड स्थित टीवी टावर के पास अग्रवाल सैनिटेशंस में खुले कूचे वर्फल स्टूडियो विजिट करना होगा। इस आउटलेट में आपको एक ही छत के नीचे आपकी चॉइस के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इस बात की जानकारी अग्रवाल सैनिटेशंस के एमडी अनिल अग्रवाल ने हमारी टीम से बातचीत के दौरान दी। इस मौके पर कूचे वर्फल स्टूडियो के सीनियर रीजनल मैनेजर चैतन्य गज्जर, नेशनल हेड दीपक बी और एरिया मैनेजर प्रिया सिंह भी मुख्य रूप से शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अग्रवाल सैनिटेशंस के प्रबंधकों की मौजूदगी में कूचे वर्फल स्टूडियो की धमाकेदार शुरुआत की। इससे पहले आउटलेट में मुख्य मेहमानों के पहुंचने पर आउटलेट प्रबंधकों में अनिल अग्रवाल और भावुक अग्रवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वहीं अगर बात अग्रवाल सैनिटेशंस की करें तो इसमें आपको देश दुनिया के मशहूर ब्रांड जगुआर की बाथ एक्सेसरीज, टाइल्स, कजरिया और कैंट कंपनी का आरओ भी मिल जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोचिया की रिपोर्ट। सत श्री अकाल जालंधर, वर्फल आपके लिए आया है यहाँ पे जालंधर में। आज लॉन्च है यहाँ पे, हमने स्टूडियो ओपन किया हुआ है, आप प्लीज़ आके इसको देखिए। इट्स अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट और फ्लैक्सीबल पर्सनलाइज किचन हम यहाँ पे दे रहे हैं, वार्डरोब्स भी दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे आइए, इवन दो ये जो प्रोडक्ट है वो लाइफ टाइम वारंटी के साथ है, तो आपके लिए हम आए हैं, तो आके देखिएगा। तो सर इसमें क्या क्या रेंज रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। रेंज वो फ्लैक्सीबल है, जैसे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो हम खाली एक प्रोडक्ट सेलर नहीं है, एक कंसल्टेंट है, ताकि हम क्लाइंट को रिक्वायरमेंट समझ के हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। हमने आज किचन की ओपनिंग की है अपने स्टोर की। इट इज़ ए रिनाउंड इंडियन ब्रांड दैट इज़ रेगुलरली अवार्डेड फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स, हाँ, बेस्ट इंडियन किचन अवार्ड्स। सो दे आर फ्रॉम बेसिकली बेंगलोर एंड मेड किचन फ्रॉम ग्रीन नॉर्म्स। दिस इज नॉन कैंसरस मटीरियल एंड ए हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड ए लाइफ टाइम वारंटी। तो ये सर कहाँ पे खुला गया है? ये जो खुला है ये अग्रवाल सैनिटेशंस, नकोदर रोड, जालंधर। और सर इसमें क्या क्या मतलब? इसमें हमारे पास सारा जैगवार हाउस है, जिसमें जैगवार की सभी किस्म की बाथरूम के सॉल्यूशंस हैं, सीपी फिटिंग है, आपके लिए सैनिटरी वेयर है और हॉट वाटर सॉल्यूशंस हैं, ग्लास इनक्लोजर्स हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, स्टीम सोनाज हैं, टाइल्स हैं कजारिया की और अदर ब्रांड्स भी हैं टाइल्स के, और जैगवार की लाइटिंग है सर।
तो सर जलंधर की जो जनता है उसके लिए एज अ कस्टमर क्या स्पेशल रहेगा अग्रवाल सैनिटेशन के लिए? स्पेशल ये रहेगा, वी आर सिंस 1996 इन दिस बिजनेस और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड भी हमने जो कुछ भी अपना काम किया है वो सर्विस प्रोवाइडेड काम किया है. वी आर नोन विद आवर पेरेंट कंपनी एज ए सर्विस प्रोवाइडर, गुड सर्विस प्रोवाइडर. तो हमारी कोशिश ही रहती है कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी और उसकी जो फुल रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से फुलफिल किया जाए. सी द प्लस पॉइंट ये है कि एक ही जगह पे क्लाइंट को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है, जैसे सैनिटरी वेल्स भी मिल रही है, लाइट फिटिंग्स का भी ऑप्शन है, मॉड्यूलर किचन का भी ऑप्शन है, वार्डरोब्स का भी ऑप्शन है. तो इंटीरियर जितने भी प्रोडक्ट आते हैं 80% यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे लाइक दैट, एक ही छत के नीचे. युवाओं को गोल्फ के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से सीमावर्ती जिले में पहली बार फर्स्ट पंजाब जूनियर गोल्फ लीग का आयोजन किया जा रहा है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध गुप्ता ने बताया कि फिरोजपुर गोल्फ एसोसिएशन द्वारा गोल्फ एक्सपर्ट के सहयोग से 22 अक्टूबर दिन रविवार को गोल्डन एरो इकोलॉजिकल पार्क एंड ट्रेनिंग एरिया में यह गोल्फ लीग करवाई जा रही है. उन्होंने बताया कि गोल्फ लीग में ए श्रेणी में 17 से 21 वर्ष के खिलाड़ी, 15 से 17 वर्ष के खिलाड़ी, बी श्रेणी में 13 से 14 वर्ष के खिलाड़ी, सी श्रेणी में 11 से 12 वर्ष के खिलाड़ी, डी श्रेणी में 9 से 10 वर्ष के खिलाड़ी और ई श्रेणी में 8 वर्ष के खिलाड़ी भाग लेंगे. वहीं उन्होंने बताया कि लीग में पूरे पंजाब के खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और इसे करवाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि दास एंड ब्राउन वर्ल्ड स्कूल में वेस्ट एंड गोल्फ रेंज स्थापित की गई है जिसमें रोजाना खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं और खिलाड़ियों को अनुभवी कोच द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है. उन्होंने कहा कि फिरोजपुर में इस तरह की पहली गोल्फ लीग करवाने का मुख्य उद्देश्य फिरोजपुर में टूरिज्म को भी प्रफुल्लित करना है. उन्होंने कहा कि पंजाब के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी और उनके अभिभावक आएंगे तो उन्हें यहाँ के ऐतिहासिक और टूरिज्म के बारे में पता चलेगा. खिलाड़ियों को खेलों के द्वारा ही सामाजिक बुराइयों से दूर रखा जा सकता है. फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट. फिरोजपुर च फर्स्ट टाइम है कि असी पंजाब जूनियर गोल्फ लीग चैंपियनशिप करवा रहे हैं. ये फिरोजपुर के इतिहास कदे इतने गोल्फ की चैंपियनशिप नहीं हुई. सो साडा मकसद है गोल्फ के माध्यम के थ्रू कि फिरोजपुर च टूरिज्म नू प्रमोट करना, स्पोर्ट्स नू प्रमोट करना. जिन्ना इतने टूरिज्म प्रमोट होएगा, जिन्हें दूर दूर तो लोग फिरोजपुर चाहेंगे, चाहे वह गोल्फ दे लई आन, चाहे वह बॉर्डर रिट्रीट देखने लई आन, उन्ना ही जिहड़ा फिरोजपुर च इकोनमी नू बूस्ट मिलेगा. सो कमिंग टू द स्पोर्ट्स, लाइक ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक असी एक बच्चे तो इतने स्केटिंग की गेम फिरोजपुर च नहीं सी होंदी बिकॉज ट्रडिशनल स्पोर्ट्स फिरोजपुर का हॉकी रहा है. सो असी एक बच्चे तो स्केटिंग स्टार्ट किया सीगा बींग अ प्रेजिडेंट ऑफ द एसोसीएशन. तो अज के दिन फिरोजपुर ऑलमोस्ट 500 बच्चे नैशनल तो इंटरनेशनल लैवल पर स्केटिंग कर रहे हैं. सो लाइकवाइज देर इज़ नो गोल्फ एट द मोमेंट इन फिरोजपुर. सिर्फ 4 या 5 बच्चे ने जोड़े इस वेले गोल्फ खेलते हैं, बट असी कोशिश कर रहे हैं कि इन्ह चैंपियनशिप्स के थ्रू, इन्ह इवेंट्स के थ्रू कि आने वाले समय से एटलीस्ट 100 to 200 जोड़े है वो प्लेयर्स इतने गोल्फ खेलन शुरू करन एंड अल्टीमेटली वो प्रोफेसनल गोल्फ प्लेयर्स बनन, सो दैट वो गोल्फ नू जस्ट एज अ स्पोर्ट्स दी बजाय गोल्फ नू एज अ कैरियर भी अडोप्ट कर सकन, जो एक बहुत वड्डा कैरियर है अज दे दिन. सो विद दिस इंटेंशन फिरोजपुर गोल्फ एसोसीएशन का सेटअप किया गया है ते असी एक फर्स्ट टाइम जिहड़ा इत्थे चैंपियनशिप करवा. सर किन्ने दिन चलेगी, कदों स्टार्ट होएगी? और सो ये वन डे चैंपियनशिप है, बट लॉट ऑफ फैमिलीज एंड प्लेयर्स विल बी कमिंग वन डे इन एडवांस, जो फिरोजपुर च आएंगे, रहेंगे होटल्स च रहेंगे एंड अपनी इत्थे प्रैक्टिस करेंगे एंड 22 अक्टूबर नू जिहड़ा है ये असी टी ऑफ करांगे. वख-वख जिले तो आ रहे? हाँ जी, ये पूरे रीजन तो, पंजाब तो, चंडीगढ़ तो, एंड वी आर एक्सपैक्टिंग अ गुड टर्नआउट. एंड इस तो बाद जी असी जिदा लास्ट ईयर असी नैशनल योगा चैंपियनशिप कराई सी जिदे च ऑलमोस्ट 30 स्टेट्स ते यूनियन टेरेटरीज तो ऑलमोस्ट 2500 पार्टिसिपेंट्स आए सी. सो एज एन ऑर्गनाइजेशन साडा परपस है दैट टाइम टू टाइम अलग अलग स्पोर्ट्स, चाहे वह टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, आर्चरी है, शूटिंग है, स्विमिंग है. आज दे दिन फिरोजपुर दे बच्चे, जिसनों एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कि हर गेम च
हॉकी का असी एक मिशन हॉकी का प्रोग्राम स्टार्ट किया जिदे ऑलमोस्ट 200 बच्चे जड़े है अलग अलग 5 साल तो लैके 10 साल तक दे एज ग्रुप च अज दे दिन डेली हॉकी ग्राउंड च आते हैं प्रैक्टिस करते हैं। असी होप करते हैं कि आने वाले टाइम च इंडिया की टीम च ऑलमोस्ट 3-4 प्लेयर जड़े है मिनीम फिरोजपुर के रिप्रजेंट करेंगे। सो आई एम चेयरमैन ऑफ द स्पोर्ट्स एसोसीएशन ऑफ फिरोजपुर ऑल्सो। सो हर गेम में चाहे वह बॉक्सिंग है चाहे वह किक बॉक्सिंग है चाहे वह आर्चरी है सो वी आर ट्राइंग के फिरोजपुर च स्पोर्ट्स के माध्यम तो असी इकोनमी बूस्ट करिए टूरिज्म बूस्ट करिए एंड जो भी ड्रग्स वगैरह की समस्या है वो खत्म हो सके। न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी सोडल रोड की तरफ से प्राचीन मां अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद के खुले मैदान में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस रामलीला के छठे दिन की नाइट सीता हरण के मंचन के साथ शुरू हुई जिसमें लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। वे अपने भाई रावण को जाकर बताती है और रावण क्रोध में आकर माता सीता का हरण कर लेता है। रामलीला के छठे दिन की शुरुआत बजरंग दल के सह संयोजक अभिमन्यु घई और प्रशांत किशोर ने विशेष रूप से शिरकत कर की। इस अवसर पर मुख्य निर्देशक श्री राम जग्गी, मुख्य संरक्षक सुशील शर्मा, चेयरमैन कमलजीत सिंह बेदी, अध्यक्ष भगवंत प्रभाकर, महासचिव हितेश सियाल, कोषाध्यक्ष यशु सियाल, वाइस चेयरमैन केवल कृष्ण चोपड़ा, ओम प्रकाश सप्पल, संगठन मंत्री धर्मपाल अरोड़ा, उपप्रधान अश्वनी हांडा, ललित शर्मा, विकी सियाल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। भगवान राम का मंदिर बनना शुरू किया जो भी सानु मौका मिलना दर्शन करना कि सारी आवाज एक स्टेशन पर भी नहीं जाती भगवान राम की दीर्घा खेती जा रही है। मैं याद है जो साडा अपना बचपन सीगा ਪ੍ਰਤਾਪਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ 10-11 ਵਜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪੂਰਨਚ ਮੰਦਰ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅਪਣਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਚ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਚ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਚ ਉਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਚ ਕੰਮ
नवरात्रों के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन में चल रही 9 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के पांचवें दिन की शुरुआत हुई। इस भजन संध्या के पांचवें दिन गायक राजन, मिनी चंचल एंड पार्टी अमृतसर वालों ने गणेश वंदना के साथ शुरुआत करते हुए देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर के सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, वीरा बाबा ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस भजन संध्या में आने वाले भक्तों के लिए रोजाना प्रसाद के रूप में व्रत वाला लंगर वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन के प्रधान राजेश अग्रवाल, उप प्रधान अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमनपुरी, अश्विनी चौहान, नरगिस बत्रा, सोनू कुलवंतरायपुरी, सुखदेव कुमार ने गायक राजन, मिनी चंचल एंड पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में चल रही नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के पांचवें दिन गायक हरनेक ने माता की भेंटों को गाकर देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार व मंच संचालक बलदेव आनंद, सुनील अरोड़ा, मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक हरनेक को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही कंजक पूजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
दीन दुनी के तुम हो मालक, दीन दुनी के तुम हो मालक। चंदनी चौकी दे आसर, चंदनी चौकी दे आसर, अद्भुत लीला हो लिया। गणपति बप्पा मोरिया बोलो, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया बोलो, गणपति बप्पा मोरिया। कृष्ण संकीर्तन मंदिर सैदा गेट जालंधर में मां के पावन नवरात्रों के उपलक्ष्य में श्री दुर्गा स्तुति के पाठ करवाए गए, जिसमें दुर्गा मंडली की महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक मां दुर्गा स्तुति के पाठ किए। इस मौके पर प्रधान इंदु शर्मा, आशा, रीटा, नीरू, सुनीता, शोभा, आरती, आदर्श, रेखा, मीनू, गीता, कोमल, शिखा, सपना, वीना, रेणु, कौशल्या सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के थाना लांबड़ा के अधीन आते टावर इनक्लेव में हुआ ट्रिपल मर्डर। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बेटे ने पिता, मां और भाई पर मारी गोलियां। मोगा के गांव खोसा कोटला में दो पक्षों में हुए विवाद में चली गोलियां, दो लोगों की मौत, दो गंभीर घायल। होशियारपुर में दवाई लेने जा रहे परिवार की कार पर पेड़ का बड़ा हिस्सा गिरा, जानी नुकसान होने से बचाओ। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।